हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस और एस्कैरिस के जनरल फीचर्स की। आप सभी को पता है कि हम एनिमल डाइवर्सिटी सेक्शन में अब तक फाइलम पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एस्कैहेलमिंथ की बात कर चुके हैं। और हमने प्लेटीहेलमिंथीज में दो लाइफ साइकिल देखे थे। एक लाइफ साइकिल हमने जिसकी बात की थी वो था लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक, और एक बात की थी हमने लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू फाइलम एस्कैहेलमिंथीज कॉल्ड एस्कैरिस। तो सबसे पहले तो याद रखें, फाइलम एस्कैहेलमिंथीज को बिलोंग करता है एस्कैरिस, और एस्कैहेलमिंथीज को बिलोंग करने वाला जो एस्कैरिस है, इस एस्कैहेलमिंथीज को बिलोंग करने वाले एस्कैरिस का कॉमन नेम होता है राउंड वर्म। इसे बोला जाता है राउंड वर्म। राउंड वर्म को अगर आप बाहर से देखें तो इसकी मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब इनके अंदर हम बोल सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल एस्कैरिस है या फीमेल। जैसे देख सकते हैं कि मेल जो होता है शॉर्ट एंड कर्व्ड, लेकिन फीमेल जो होती है वो होती है लॉन्ग एंड स्ट्रेट। मेल कैसा होगा, इनका मेल अगर हम बात करें होता है शॉर्ट, स्मॉल एंड कर्व्ड। लेकिन इनकी फीमेल की अगर बात करें बच्चों, तो इनकी फीमेल जो होती है वो कैसी होती है, मेल के कंपैरिजन में लॉन्ग होती है, और साथ में एक और बात याद रखें, कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। ये बिल्कुल जनरल फीचर है जिससे आप बाहर से देख के बता पाएंगे कि ये मेल एस्कैरिस है और ये फीमेल एस्कैरिस है। अच्छे से याद रखें, एनसीईआरटी के डायग्राम है, याद रखें दोनों के पास माउथ है, ठीक है। एनस प्रेजेंट है फीमेल में, मेल के पास एनस नहीं है, क्लोइका प्रेजेंट होता है। गोनोपोर है फीमेल में, एक्सक्रीटरी पोर दोनों में प्रेजेंट होगा। लैटरल लाइंस प्रेजेंट है दोनों की बॉडी में, और याद रखें मेल के पास टेल प्रेजेंट है। टेल पे दो पीनियल सिटी लगे हुए हैं, ये पीनियल सिटी कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं, ये हेल्प करते हैं कॉपुलेशन में। पीनियल सिटी वर्क एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आई बात कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल शॉर्ट कर्व्ड होता है, फीमेल लॉन्ग एंड स्ट्रेट होती है, और मेल के पास दो पीनियल सिटी या स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस, जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, फाइलम एस्कैहेलमिंथीज का मेंबर है, इसके बारे में। और एस्कैरिस की अगर हम बात करें तो इसे जाइंट इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट कहा जाता है। जाइंट इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट, इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट का मतलब ये हमारी इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट फॉर्म में रहता है। और ये जाइंट इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट जो है, इसके बारे में अच्छे से याद रखें कि ये होता है मोनोजेनेटिक। इससे पहले मैंने आपको जो एक वीडियो आपको ने देखा होगा वो था लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म, वो दोनों ही थे डाइजेनेटिक। इसका मतलब वो दोनों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं दो होस्ट में, लेकिन एस्कैरिस है मोनोजेनेटिक, इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी दो होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक सिंगल होस्ट में। तो ऐसे एनिमल जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब उन्हें किसी इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होते हैं मोनोजेनेटिक। तो एस्कैरिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। एस्कैरिस की अगर हम बात करें तो एस्कैरिस की बॉडी में, एस्कैरिस की बॉडी पर क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और क्यूटिकल कवरिंग के साथ साथ क्यूटिकल कवरिंग के नीचे इनकी एपिडर्मिस है, और याद रखें इनकी एपिडर्मिस होती है सिंसेशियल। सिंसेशियल के लिए हम मल्टी न्यूक्लिएटेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सिंसेशियल एपिडर्मिस होती है। और बात करें, एस्कैरिस के पास केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, केवल इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होंगी, इनके पास सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होती है। और एक बात आपने सुना होगा कि इनके जो है, इनके सीलोम को बोला जाता है स्यूडोसीलोम। आप स्टार्टिंग में डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इस बात को समझ सकते हैं कि स्यूडोसीलोम कैसी है। तो एस्कैरिस के मैंने जनरल कुछ फीचर्स बोले, इनकी बॉडी पे क्यूटिकल की कवरिंग है जो इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम से, होस्ट के एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। इनकी एपिडर्मिस मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बोला जाएगा सिंसेशियल एपिडर्मिस। इनकी बॉडी में केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है, सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट नहीं होती। स्यूडोसिलोम होती है, इनका मेल होता है मोनोर्किक। मोनोर्किक का मतलब मेल के पास एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है मोनोर्किक। और जबकि इनकी फीमेल की बात करें तो वो होती है डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक का मतलब फीमेल के अंदर दो यूट्रस, दो ओवरी एंड दो ओविडक्ट प्रेजेंट होती हैं। तो टू यूट्रस, टू ओविडक्ट एंड टू ओवरी से रिलेटेड वर्ड आता है डाइडेल्फिक, और मेल होता है इनका मोनोर्किक, इसका मतलब मेल के पास एक सिंगल टेस्टिस,
तो अभी तो सबसे पहले तो मैंने आपको एनिमल डाइवर्सिटी में एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की हमने बात की, जिसमें मैंने एस्केरिस में मेल एंड फीमेल कैसे अलग हैं और एस्केरिस के कुछ जनरल फीचर्स की बात की। यहाँ तक की बात करने के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने की वो ये थी कि एस्केरिस एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक सिंगल होस्ट में। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारा आज के लेक्चर के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम एस्के हेलमंथीज में भी बात कर चुके हैं। आज जो हम बात करते हैं अब डिटेल में वो है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस कैसे चलेगा, इसको हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि ड्रॉ करते हुए इसको समझाना ज़्यादा सही है, ईजी है। देखते हैं बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। अगर एस्केरिस के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले एस्केरिस के एग्स जो होते हैं, एस्केरिस के जो एग्स होते हैं इन सॉइल, एस्केरिस के एग्स प्रेजेंट है सॉइल में, जिसके अंदर होता है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। मतलब अगर हम बात करें कि एस्केरिस के एग में, समझते हुए जाइएगा बच्चों से, क्योंकि अच्छे से समझते हुए चलिएगा साथ में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लाइफ साइकिल है, अगर बीच में से अगर कहीं स्किप हो गया आपके दिमाग से तो फिर वापस से आपको स्टार्टिंग से लेना होगा। मैं बिल्कुल आराम से लेता हूँ। सबसे पहले एस्केरिस के एग्स जो लाखों के नंबर में होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उन एग के अंदर, एस्केरिस के एग के अंदर डेवलप हो चुका होता है एक फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल से आगे जाके डेवलप होता है, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल है और इस फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल से आगे जाके डेवलप होता है एग के अंदर ही सेकंड स्टेज जुवेनाइल। क्या डेवलप होता है? सेकंड स्टेज जुवेनाइल। देखिएगा हम लिखते हैं सेकंड स्टेज जुवेनाइल डेवलप होगा, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल से अब डेवलप हुआ है सेकंड स्टेज जुवेनाइल और ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल भी डेवलप हुआ है विद इन दी एग, एग के अंदर ही है, अभी एग के बाहर नहीं आया है, अभी भी एग के अंदर ही है। ये रहा एग, बस ये जुवेनाइल थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप हो गया है, थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया है। पहले ये फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल था, अब ये थोड़ा सा डेवलप अच्छा हो गया है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल से सेकंड स्टेज जुवेनाइल। ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल जो होता है ये ह्यूमन के लिए एस्केरिस की इन्फेक्टिव स्टेज है। ये ही ह्यूमन के लिए क्या है बच्चों? इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। ये है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। मतलब ये स्टेज ऐसी है जो हमारी बॉडी में एंटर करती है और एस्केरियसिस डिजीज करती है। तो ये है एस्केरिस की हमारी बॉडी में कौन सी स्टेज? इन्फेक्टिव स्टेज। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन्फेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस फॉर ह्यूमन सेकंड स्टेज जुवेनाइल विद इन द एग। सही बात है बच्चों। क्या होता है जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, कैसे एंटर करता है? जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। जब ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता हुआ जब ये एस्केरिस हमारी बॉडी में जाता है, या फिर हम सीधा सीधा बोले सॉइल से होता हुआ बच्चों की बॉडी में चला जाता है, तो उस कंडीशन में सेकंड स्टेज जुवेनाइल एग से बाहर आ जाता है और सेकंड स्टेज जुवेनाइल फ्री हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। सेकंड स्टेज जुवेनाइल, देखिएगा आगे, सेकंड स्टेज जुवेनाइल जिसको हम बोल सकते हैं इसका रैबडिटी फॉर्म लार्वा। अब इसको हम लार्वा भी बोल सकते हैं, रैबडिटी फॉर्म लार्वा, एस्केरिस का लार्वा है रैबडिटी फॉर्म लार्वा, फ्री इन इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन में आकर ये फ्री हो चुका है। सुनिएगा, हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी में एग्स के साथ चला गया और एग के साथ जैसे ही हमारी बॉडी में गया तो हमारी इंटेस्टाइन में जाते ही ये फ्री हो गया। मतलब अब जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल है वो बॉडी के बाहर आ चुका है, मतलब एग से बाहर आ चुका है और ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल है जो हमारी इंटेस्टाइन में है। हमारी इंटेस्टाइन में आने के बाद सेकंड स्टेज जुवेनाइल के साथ क्या होता है इसकी बात करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में आने के बाद ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर डिजीज़ करने लगता है और साथ में वहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब करने लगता है, हमारे फूड के ऊपर फीड करने लगता है, हमारी आरबीसी पे फीड करने लगता है, हमें एनीमिया जैसे सिम्टम आने लगते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इंटेस्टाइन को ब्लॉक जैसा करने लगता है। लेकिन अब यहाँ से होता हुआ अब ये आ जाता है हमारे हिपेटोपोर्टल वेन में। यहाँ से ये हिपेटोपोर्टल वेन, आप सभी को पता है कि हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड सीधा हार्ट में नहीं जाता,
पहले वो हिपेटोपोर्टल वेन से होता हुआ जाता है हमारे लिवर में, तो हमारा इंटेस्टाइन से ये ब्लड में आएगा, और ब्लड में जब ये आ जाएगा तो ब्लड में ये हिपेटोपोर्टल वेन से होता हुआ, कौन सी वेन से होता हुआ, हिपेटोपोर्टल वेन से होता हुआ पहुँच जाएगा हमारे लिवर में। जब ये हमारे लिवर में पहुँचेगा तो लिवर से ये आगे पहुँचेगा हिपेटिक वेन से, यू नो दैट लिवर की वेन को बोला जाता है हिपेटिक वेन, लिवर से जो वेन जा रही है उसको बोला जाता है हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन से होता हुआ ये पहुँच जाता है, हिपेटिक वेन से होता हुआ ये पहुँच जाता है हमारे हार्ट में। आपको पता है हिपेटिक वेन जो होती है वो ओपन होती है इन्फीरियर वेना केवा में, और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारे ओपन होता है राइट एट्रिया में। तो ये पहुँच जाता है हमारे, कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों, ये पहुँच जाएगा हमारे हार्ट में। तो हमारे हार्ट तक पहुँच चुका है सेकंड स्टेज जुवेनाइल। एक बार फिर से मैं यहाँ तक के साइकिल की बात करता हूँ। सबसे पहले एग्स सॉइल में थे, उनके अंदर फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल डेवलप हो रहा था, मैं आराम से ले रहा हूँ इसे काफ़ी, देखिए। उसके बाद एग के अंदर ही सेकंड स्टेज जुवेनाइल डेवलप हुआ। ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल जो एग के अंदर ही था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू बच्चे की बॉडी में चला गया, और जब हमारी बॉडी में चला जाएगा तो इसका मतलब यही हमारे लिए एस्केरिस की इन्फेक्टिव स्टेज है। जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में आते ही एग से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड स्टेज जुवेनाइल जो एक तरह का लार्वा है जिसको हम बोलते हैं रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, वो हमारी बॉडी में फ्री हो गया। और जब ये हमारी बॉडी में फ्री हो जाएगा, कहाँ फ्री होगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पोर बनाने लगेगा, पोर बनाएगा तो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड मतलब कहाँ आएगा, हिपेटोपोर्टल वेन में आ जाएगा। हिपेटोपोर्टल वेन जो है वो ओपन होती है लिवर में, लिवर में आएगा, लिवर की हिपेटिक वेन से होता हुआ ये पहुँच जाएगा हमारे हार्ट में। आगे बात करते हैं हार्ट से ये कहाँ जाएगा, आप सभी को पता है राइट एट्रिया में आया है, तो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और अगर राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, और पल्मोनरी एओर्टा से होता हुआ ये पहुँच जाएगा हमारे लंग्स में। कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ अल्टीमेटली पहुँच जाएगा हमारी एल्वियोली में। कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, एल्वियोली ऑफ लंग्स में पहुँच जाएगा। जब आगे लंग्स में आगे बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली वह पहुँच जाएगा एल्वियोली ऑफ लंग्स में। एल्वियोली ऑफ लंग्स तक पहुँच चुका है, देख सकते हैं आप, हमारी बॉडी के लगभग हर पार्ट का चक्कर लगा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर अच्छा खासा घूम रहा है। हमारी बॉडी में जब ये एल्वियोली तक पहुँच जाएगा तब क्या होगा, इसके लिए एक बार फिर से हम इस लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग की बात करते हैं। हमने बात की थी कि एग जो है वो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल है, उससे सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होता है। जब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो मोल्टिंग होती है, उसके लिए जो मोल्टिंग की जाती है, उस मोल्टिंग को कहा जाता है फर्स्ट मोल्टिंग। कौन सी मोल्टिंग होती है यहाँ पर बच्चों, फर्स्ट मोल्टिंग। यहाँ पर इसने जो मोल्टिंग की है वो है फर्स्ट मोल्टिंग, अभी इसने फर्स्ट मोल्टिंग की है, पहली बार मोल्टिंग की है, और फर्स्ट मोल्टिंग करने से फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल डेवलप हो गया है सेकंड स्टेज जुवेनाइल में। आगे देखिएगा, अब ये एल्वियोली ऑफ लंग्स में आ चुका है। एल्वियोली ऑफ लंग्स में आने के बाद ये करता है सेकंड मोल्टिंग। यहाँ पर आने के बाद ये कौन सी मोल्टिंग करेगा बच्चों, सेकंड नंबर पे मोल्टिंग करेगा, वापस से मोल्टिंग करेगा। मोल्टिंग का मतलब अपने क्या करेगा, मोल्टिंग का मतलब अपनी बॉडी की लेयर को हटा देगा, या फिर हम बोल सकते हैं एग्डेसिस का प्रोसेस शो करेगा। जब फर्स्ट मोल्टिंग होती है तो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल से बनाता है सेकंड स्टेज जुवेनाइल, और ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल ही हमारी कहाँ था, एल्वियोली ऑफ लंग्स में। एल्वियोली ऑफ लंग्स में सेकंड मोल्टिंग हुई, अगर सेकंड मोल्टिंग होगी तो बनेगा कौन सा स्टेज, यहाँ से बन जाएगा थर्ड स्टेज जुवेनाइल। कौन सा जुवेनाइल डेवलप हो जाएगा बच्चों, थर्ड स्टेज जुवेनाइल डेवलप हो जाएगा। और ये थर्ड स्टेज जुवेनाइल जो है ये हमारी कहाँ पर है अभी, एल्वियोली में। एल्वियोली में इस थर्ड स्टेज जुवेनाइल में सेकंड मोल्टिंग से जो थर्ड स्टेज जुवेनाइल बना है इसके अंदर वापस से होगी बच्चों, कौन सी, इसके अंदर वापस से होगी थर्ड मोल्टिंग। कौन से नंबर की मोल्टिंग होगी, थर्ड मोल्टिंग होगी। और जब तीसरी बार मोल्टिंग होगी तो खुद ही सोचिए, पहली बार मोल्टिंग हुई थी तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जुवेनाइल बना, सेकंड टाइम मोल्टिंग हुई तो सेकंड स्टेज जुवेनाइल से थर्ड स्टेज जुवेनाइल बना, और थर्ड स्टेज जुवेनाइल में थर्ड मोल्टिंग होगी तो बनेगा कौन सा जुवेनाइल, अब आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, अब बन जाएगा फोर्थ स्टेज जुवेनाइल।
अभी तक भी ये एडल्ट नहीं बना है, ये है फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। लेकिन ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल भी कहाँ बनता है? ये भी बनता है हमारी एल्वियोली में या एयर सैक में। हमारी एल्वियोली में फोर्थ स्टेज जुवेनाइल बन चुका है, आगे बात करते हैं अब क्या होगा। हमारी एल्वियोली में पहुंचने के बाद जब ये दो बार मोल्टिंग कर चुका है, अब ये हमारी एल्वियोली से आगे आने की कोशिश करेगा और ये पहुंचेगा हमारे ब्रोंकियोल्स में। आप सभी जानते हैं कि एल्वियोली से उल्टा लौटना शुरू करेगा तो आएंगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से होता हुआ ये पहुंचेगा ब्रोंकी में और ब्रोंकी से होता हुआ ये पहुंच जाएगा हमारे ट्रैकिया में। जब ये ट्रैकिया में पहुंचेगा तो हो सकता है ट्रैकिया से होता हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ, नोज से होता हुआ आपकी बॉडी से बाहर आ जाए। आप बोलेंगे सर ये ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप, नोज से होता हुआ बाहर कैसे आ सकता है? मतलब जब आप सो रहे हो सकता है कि ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल ब्रोंकियोल से उल्टा लौट रहा हो, आप सो रहे हैं उस टाइम ब्रोंकियोल से होता हुआ, ब्रोंकी से होता हुआ ट्रैकिया तक पहुंच जाए और आप सो रहे हैं, आपको फील ना आए और ये आपकी नाक से बाहर आ जाए। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, दिखा दूँ एक डायग्राम। देखिए बच्चों, ये रहा एक बच्चा जिसकी नाक से और जिसके मुंह से बाहर क्या आ रहा है। बड़ा अजीब लग रहा होगा बच्चों देखकर, लेकिन सही है, डॉक्टर बनना है तो आपको ऐसे केसेस को हैंडल करना ही होगा और ऐसी सारी चीज़ें होंगी, तभी तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है बच्चों, ठीक है। क्योंकि वो इस तरह के केसेस जो होते हैं उनको बड़े ही पेशेंस के साथ केयर करता है, उनको ट्रीट करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो बच्चे के नाक से और माउथ से बाहर आ रहे हैं ये कब होगा, ट्रैकिया से होता हुआ ये क्या हो सकता है, नाक से बाहर आ सकता है, तो रेयरली कम्स आउट हो सकता है, कम आ सकता है ट्रैकिया से बाहर। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि ये हमारे ट्रैकिया में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे वापस से क्या कर लेंगे बच्चों, स्वेलो कर लेंगे। जैसे हमें फील होगा कि हाँ भाई ये हमारे ट्रैकिया में कुछ इरिटेशन फील हो रही है तो हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल था तो फोर्थ स्टेज जुवेनाइल ने बच्चों जुवेनाइल स्वेलोड बाय ह्यूमन, हम वापस से उसको क्या कर लेंगे, स्वेलो कर लेंगे। और ह्यूमन ने अगर फोर्थ स्टेज जुवेनाइल को स्वेलो कर लिया, वापस से निगल लिया, तो क्या होगा, अगर हमने इसे वापस से निगल लिया है बच्चों तो अब क्या होगा, ये वापस से आ जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, कौन सा फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, वापस से एंटर कर जाएगा हमारी किस में, इंटेस्टाइन में। लिखते हैं फोर्थ स्टेज जुवेनाइल एंटर्स फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, जो कहाँ पर है बच्चों, हमारी फोर्थ स्टेज जुवेनाइल है हमारी इंटेस्टाइन में। हमने वापस स्वेलो किया तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल में आ गया, और वापस एलिमेंट्री कैनाल में आएगा तो ये हमारी फोर्थ स्टेज जुवेनाइल आ चुका है। अब एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद अब ये करेगा कौन से नंबर की मोल्टिंग बच्चों, फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, थर्ड हो चुकी है, अब इसे करनी है मोल्टिंग नंबर फोर्थ। अब ये करेगा फोर्थ मोल्टिंग, और अगर फोर्थ मोल्टिंग करेगा तो खुद ही सोचिए क्या बनेगा, फिफ्थ स्टेज जुवेनाइल, नहीं बच्चों जुवेनाइल ही बनता रहेगा क्या, अब बनेगा इनका क्या बनेगा बच्चों, अब बन जाएगा इनका एडल्ट। क्या बन जाएगा बच्चों, एडल्ट इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर एडल्ट बन जाएगा एस्केरिस का। और ये एडल्ट ही तो हमारे अंदर क्या डिजीज़ करेगा, टीनिएसिस, क्या करेगा सॉरी, यही तो एडल्ट जो है ये हमारे अंदर क्या करेगा बच्चों, यही हमारे अंदर करेगा डिजीज़ जिसका नाम है एस्केरिस है, तो करेगा एस्केरिएसिस। और ये एस्केरिएसिस डिजीज़ जब हमारे अंदर होगी तो उसके बाद यहाँ पर ये और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा, और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के बाद, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद ये करेगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा तो उसमें ये है यूनिसेक्सुअल, ये करेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसके अंदर बनेंगे एग्स, और एग्स जो बनेंगे वो ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ बाहर, ठीक है, एग्स एंड फीकल मैटर, हमारे फीकल मैटर के साथ बाहर इसके क्या आ जाएंगे, एग्स आ जाएंगे, और हमारा फीकल मैटर का कंटामिनेशन हो जाएगा सॉइल में, सॉइल के अंदर एग्स आ गए तो अगर सॉइल के अंदर इसमें फर्स्ट मोल्टिंग होगी, और अगर फिर से किसी पर्सन ने
अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर या सॉइल से ये सेकेंड स्टेज जुवेनाइल उसकी बॉडी में जा सकती है और इस पूरे लाइफ साइकिल को करते हुए उसे कर सकती है कौन सी डिजीज़, एस्केरियसिस। बड़ा ही आराम से बताया गया, बड़े ही अच्छी तरह से बताया गया, हर एक बच्चे को ये 100% समझ आया होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा, आप कहीं भी इसको सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको इतना अच्छे लेवल से कहीं भी नहीं मिलेगा। बच्चों अच्छे से याद रखिए और याद रखें कि ये हमारी बॉडी में एस्केरियसिस कर रहा है और इसको किसी सेकेंडरी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट। तो सबसे पहले मैंने इसमें एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में हम एस्केरिस की बात कर रहे थे, मैंने एस्केरिस के जनरल फीचर्स की बात की और जनरल फीचर को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमने डिटेल में बात की है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस की। और एस्केरिस के लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने के बाद अब चलिए क्या हम बात करते हैं एस्केरियसिस की, कि एस्केरियसिस में क्या होता है। देखिए ये रहे एस्केरिस, इस तरह से एस्केरिस इतने सारे हो जाते हैं कि ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी कर देते हैं इवन कुछ केसेस में, और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देंगे और साथ में इस तरह से रियरली नॉस्ट्रल से होते हुए और माउथ से होते हुए बाहर भी आ सकते हैं। ये बहुत ही आगे की कंडीशन है। लेकिन याद रखें एस्केरियसिस में कॉमन सिम्टम क्या आते हैं, कॉमनली तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग आ जाती है, छोटे बच्चों में ऐसा होता है पेट में सूजन आना, फीवर हो जाता है, कफिंग और विजिंग भी होती है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड पासिंग राउंड वर्म एंड देयर एग्स इन स्टूल। अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी, हमने बात की थी कि एग्स इन फीकल मैटर, तो फीकल मैटर और इवन एडल्ट भी जो है हमारे फीकल मैटर के साथ बाहर निकलने लगेगा अगर ये डिजीज हमें हुई है। और अगर ऐसा किसी को हो गया है तो ट्रीटमेंट के लिए उसे दिया जाना चाहिए एल्बेंडाजॉल। उसे क्या देना चाहिए बच्चों, एल्बेंडाजॉल। उसे ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं आप मेबेंडाजॉल, उसे ट्रीटमेंट के लिए आप दे सकते हैं मेट्रोनिडाजॉल, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है इसके ट्रीटमेंट में ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। चिनोपोडियम का ऑयल भी इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो चिनोपोडियम का ऑयल, मेबेंडाजॉल, एल्बेंडाजॉल, इस तरह की मेडिसिंस इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो आज मैंने आपको एस्केरिस के बारे में बताया, एस्केरिस का लाइफ साइकिल काफ़ी डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन किया। बच्चों बहुत डिटेल थी इसलिए वापस नहीं कर सकते, वापस से वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ में हमने एस्केरिसिस की डिजीज़ क्या है और एस्केरियसिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनकी बात की। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन एस्केरिस से रिलेटेड, देखते हैं क्या क्वेश्चन हो जाएगा। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज, अभी तो दिखा था, अभी तो बात की थी सेकेंड स्टेज जुवेनाइल विद इन द एग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के लिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। तो देखते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज एग, नो, फोर्थ जुवेनाइल, नहीं, सेकेंड जुवेनाइल एंड एडल्ट वर्म इटसेल्फ, क्या आएगा आंसर बच्चों, आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड स्टेज जुवेनाइल विद इन द एग, एग के अंदर जो है वो एस्केरिस की हमारे लिए इन्फेक्टेड स्टेज है। तो आज आपको एस्केरिस बताया गया, आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल डाइवर्सिटी के एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे अच्छे से वीडियो की हेल्प लेते रहिए एटीपी के, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हम प्रे करेंगे, थैंक यू।